बोलिए सर, बोलो जोर से थोड़ा सा। मेरा नाम जगदीश गुजर है, मैं श्री देवनारायण ग्राम स्वराज समिति चैनपुरा का अध्यक्ष हूँ और प्रोड्यूसर कंपनी में प्रमोटर हूँ। NCDS का तो हमारे को ऐसे पता लगा कि जो भाव जिस महीने में फिक्स हो जाता है उसके आधार से, और किसान की जो भी 38 से 42% तक जो सरसों का तेल निकल जाता है ना, तो उसमें किसी प्रकार का नुकसान लागने का तो काम ही नहीं होता है। देखो उसमें तो होता क्या है, पहले जो था कि भाई जो बोरा होते थे, जो बनिया होते थे उनके पास, वो जेठ का महीने का, साठ का महीने का जो भाव लगाते थे उसमें से कभी 500 रुपया कम हो जाते तो कभी 100 रुपया बढ़ जाते, हालांकि कम ही होते थे, वो फिक्स नहीं था। ये NCDS क्या है, गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है। हमारी जानकारी सबसे पहले अजेजी से हुई थी, फिर हम चोमू जो उनका वो ब्यूरो से ना वहाँ जाकर आए थे, हम 10-20 किसान गए थे, फिर बाद में तो आपसे भी मुलाकातें होती रही। फिर हमने वो सरसों की कितनी थी, वो 20 टन सरसों रखी थी, तो वो देखो आप हमने 3900 रुपये के हिसाब से रखी, 450 रुपये के हिसाब से बिकी, तो हमारे को तो ये तो होना ही होना था। जब 1000 रुपया कुंटल का जो फायदा होता है ना, तो फिर देखो वो भी क्या है, किसानों का अब की बार हम ये सोच रहे हैं हकीकत में कि हम किसानों से समिति के लेवल पर इकट्ठे करेंगे सरसों और फिर उसको इकट्ठा करके और अच्छी ग्रेडिंग करके फिर NCDS के पास रखेंगे जो भी महीना होगा उसके बारे में। तो और यहाँ का जो वातावरण था, यहाँ का जो जैसा हुआ, मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपको, जो बाप की संपत्ति बेटे को मिल जाती है ना तो उसके क्या हो जाता है, अहम हो जाता है, और जो जब बेटा अपने हाथों से पैरों से मेहनत से कमा करके कोई चीज़ करता है तो उसका कोई अहम नहीं होता है। हमने तो खुद ने मेहनत की है, मतलब समिति बनाना, रिलायंस फाउंडेशन के सहयोग से हमने समिति बना करके फिर संघ बनाया, संघ बना करके फिर हमने प्रोड्यूसर कंपनी बनाई, तो हमारे को तो हर्ष तो होना तो है ही नहीं। ये तो है भाई, हम ठीक है, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, हम भी यहाँ तक आए दिल्ली तक, और आगे भी मेहनत करेंगे तो ऐसे अवार्ड मिलते रहेंगे।